हेलो स्टूडेंट्स, आई एम चंद्रलता राव, योर मैथ्स टीचर फ्रॉम गुरुकुल एकेडमी बम्बोरा। आज हम क्लास 8 का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, ये चैप्टर हमारा 7th क्लास में भी था, ठीक है, और अभी हम 8th में भी यही चैप्टर है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। उससे थोड़ा सा हाई लेवल आ जाएगा, है ना, जो 7th में था उससे थोड़ा सा हाई लेवल आ जाएगा। अब देखो, सबसे पहले ये देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता क्या। अगर इसका मीनिंग समझ आ जाएगा तो चैप्टर का आधा काम हमारा हो जाएगा। ठीक है, लीनियर इक्वेशन, सबसे पहले देखो लीनियर इक्वेशन क्या होता है। जैसे कोई इक्वेशन दे रखी है आपको, ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर, हाईएस्ट पावर जो होगी वो क्या होगी, वन होगी। ठीक है, जैसे कि अगर मैं लिखती हूँ 2x² + 3x + 1 = 0, मान लो ऐसी मैंने कोई इक्वेशन लिखी। ठीक है, अब इस यहाँ पे कोई पावर नहीं है, मतलब यहाँ पे पावर क्या है, वन है। ठीक है, यहाँ पे कोई पावर नहीं होती, वहाँ पे पावर क्या होती है, वन। ठीक है, तो अब देखो यहाँ की हाई, इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर कितनी है, टू। ठीक है, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगी, नहीं, ये लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगी, है ना, क्योंकि मैंने बोला लीनियर इक्वेशन वो होगी जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, वन होगी। जैसे मैंने लिखा 3x + 1 = 0, अब देखो इसके ऊपर कोई पावर नहीं, मतलब वन है पावर। ठीक है, यानी कि इस पूरी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर कितनी है, वन। ठीक है, जो हाईएस्ट पावर जो है अगर वन होती है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अब इसने बोला लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, आप नेक्स्ट 9th क्लास में जाओगे तो यही चैप्टर जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल करके आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वन वेरिएबल की जगह टू वेरिएबल आ जाएगा। यानी कि वेरिएबल का मतलब ये है कि जैसे ये हमने एक्स लिया है ना, ये हमारा क्या कहलाता है, वेरिएबल। ठीक है, ये एक्स वेरिएबल कहलाएगा, ये एक्स के साथ जो भी नंबर होता है वो हमारा कोफिशियंट कहलाता है, और विदाउट वेरिएबल जो नंबर होता है, यानी कि इसके साथ ना एक्स है कुछ नहीं है ना, तो ये कांस्टेंट कहलाता है हमारा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये वेरिएबल है, ये कोफिशियंट है और ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसने बोला वन वेरिएबल, यानी कि पूरी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होगा, एक ही वेरिएबल, यानी सिर्फ एक्स है तो एक्स ही होगा, इसमें वाई नहीं होगा। ठीक है, अब ऐसे नहीं कि जैसे कि मैं लिख रही हूँ 3x + 1 = 2x + 5, मान लो मैंने ये लिख दिया, तो आप ऐसे नहीं कहेंगे कि यहाँ पे दो वेरिएबल यूज हो गए, वन और टू, ऐसा नहीं है, ये एक ही वेरिएबल है, वेरिएबल तो एक्स ही है ना, कितनी बार आ रहा है वो काउंट नहीं करना है। ठीक है, वेरिएबल कितना आ रहा है वो देखना है आपको, एक ही वेरिएबल आ रहा है, यानी कि ये इक्वेशन क्या कहलाएगी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, अगर मान लो नेक्स्ट आप क्लास में जाओगे 9th क्लास में, तो आपकी इक्वेशन ऐसी आएगी, इस टाइप की, ऐसी कोई भी इक्वेशन, यानी कि यहाँ पे दो वेरिएबल आ गए, एक्स और वाई। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाएगी। ठीक है, तो ये चीज हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हमको पता चल गया है कि हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इस बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि अभी से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, इस तरीके से आप पढ़ोगे। ठीक है, अब देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा मैंने प्रैक्टिस टू बी परफेक्ट 2.1, है ना, इसका मतलब ये कि आपने पिछली क्लासों में जो भी पढ़ा है उसकी थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी है, क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, इसलिए ये 2.1 एक्सरसाइज 2.1 अलग से आएगी, है ना, ये अभी खाली प्रैक्टिस के लिए देख रहे हैं। ठीक है, आपकी बुक में दे रखा ही है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है 2x / 1 = 1। ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे, यहाँ पे सॉल्व का मतलब ये कि यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो नीचे है इसको आप कहाँ ट्रांसफर करोगे, इस तरफ। ठीक है, तो 2x = 1 जो है, 1 के साथ में क्या आ गया, x + 6, 1 यहाँ मल्टीप्लाई में। ठीक है, 2x = 1 को आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x ही आएगा, प्लस 1 को 6 से करेंगे तब भी क्या आएगा, 6 ही आएगा। ठीक है, अब देखो आप x x वाली एक साथ टर्म एक साथ ले लो, विदाउट x वाली एक साथ ले लो। ठीक है, 2x, ये x है, ये प्लस का, इधर आएगा क्या आएगा, माइनस का x, इक्वल 6, 2x - x कितना होगा, x, और इक्वल 6, यानी कि x की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 6। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट इसी का थर्ड क्वेश्चन है, सेकंड इसके जैसे ही आप खुद करेंगे। ठीक है, मैं थर्ड करा रही हूँ,
ठीक है। अब इसमें भी आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, यानी कि सिर्फ x ही इस तरफ रहना चाहिए, बाकी सबको आप उस तरफ भेज दो, ठीक है। तो सबसे पहले ये ऐसे नहीं कि आप इस 7 को भेज दें, ये नहीं जाएगा, है ना, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो पहले आप क्या करोगे, इस 9 को उस तरफ भेजोगे, उसके बाद ये 7 जाएगा, ठीक है। तो ये 9 उधर जाएगा, ये माइनस का, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 7x, ठीक है। 16 + 9 कितना होता है, 25, ठीक है, इक्वल 7x, ठीक है। अब ये 7 जो है वो आप कहाँ भेजोगे, इस तरफ भेजोगे, ये मल्टीप्लाई इसके साथ, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी 25/7 जो है वो आपकी क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई। आप डिवाइड भी दे सकते हो, नहीं देंगे तो भी चलेगा, ठीक है। इसी का फोर्थ क्वेश्चन है, x + 5/x = 2:2/3, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो ये मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, इसको सिंपल में चेंज कर लो, x + 5/x = 3×6, 6+2 8/3, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करेंगे, जब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि इधर भी अपॉन में, इधर भी अपॉन में, तो आप क्या करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, क्या करते हो, क्रॉस, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 3x + 5, फिर ये एक्स जो है इस 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 8×x, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 जो है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 3x + 15 = 8x, ठीक है। अब देखो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी, x x वालों को एक साथ ले लो, बिना x वाले एक साथ, ठीक है। मैं इस 3x को इस तरफ भेज रही हूँ, 15 = 8x - 3x, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मैं इधर लिख रही हूँ सॉल्यूशन, 15 = 8x में से 3x जाएगा, कितना बचेगा, 5x, ठीक है। अब देखो x ही चाहिए आपको, ये 5 नहीं चाहिए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 15/5 = x, 15 में आप 5 का डिवाइड देंगे तो आंसर क्या आएगा, 3, यानी कि x की वैल्यू जो आई है आपकी कितनी आ गई है, 3, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 7th क्वेश्चन है इसी का, बड़ी इक्वेशन देख के घबराना नहीं है ना, बड़ी इक्वेशन दे रखी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो ये 1 वेरिएबल है या नहीं है, 1 वेरिएबल ही देखो, y और y, ठीक है। वेरिएबल कुछ भी आ सकता है, x आ सकता है, y आ सकता है, t आ सकता है, z आ सकता है, लेकिन ये होना चाहिए कि पूरी इक्वेशन में एक ही होना चाहिए, z है तो सब में z ही होना चाहिए, ठीक है, तभी वो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल कहलाएगा, ठीक है। अब देखो हम इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले देखो ब्रेकेट के बाहर डिजिट दे रखी है, इनको पहले अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको, ठीक है। तो देखो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, ये 3 जो है 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 15y, ठीक है, प्लस, अब देखो ध्यान रखना है बाहर माइनस लगा हुआ है, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, इस चीज का ध्यान रखेंगे नहीं तो गलत हो जाएगा, बाहर साइन भी देखना है आपको, ठीक है। 3×2 = 6, फिर ये 4 जो है 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4×7 = 28, माइनस, यहाँ पे तो बाहर प्लस ही है, कोई साइन नहीं है, मतलब यहाँ माइनस ही आएगा, ठीक है। 4×3 = 12y + 1, ठीक है। इस तरीके से हमने सॉल्व कर दिया, अब आप क्या करो, वाई वाई वालों को एक साथ ले लो और बिना वाई वालों को एक साथ ले लो, ठीक है। तो देखो माइनस का 15y इधर है ही, ठीक है, और ये मैं इधर ले रही हूँ, तो प्लस का 12y इधर आ गया, माइनस था प्लस हो गया। अब बाकी के सारों को मैं इधर लूंगी, ठीक है, बिना वाई वालों को, 28 इधर ही था, प्लस का 1 इधर ही था, पहले इधर वालों को लिख लिया, अब इधर से इधर ट्रांसफर करूंगी, ठीक है। प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5, माइनस का 6 आके इधर प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आप सॉल्व करेंगे, इन दोनों को प्लस नहीं करेंगे, बाहर इसके माइनस है, एक माइनस है एक प्लस है, मैंने आपको पहले भी बताया पहले वाले चैप्टर में भी कि एक माइनस होता है एक प्लस होता है, तो हमेशा हम माइनस करते हैं, ठीक है। तो 15 में से 12 गया, कितना बचेगा, 3y, ठीक है, बड़ी डिजिट माइनस की है, साइन माइनस का आएगा। अब देखो इनको सॉल्व करेंगे, 28 + 1 = 29, 29 में से 5 गया, कितना बचेगा,
24 प्लस 6 कितना हो गया 30, ठीक है। तो ये आंसर आ गया हमारा 30, ठीक है। अब हमको y की वैल्यू फाइंड करनी है, ये -3 नहीं चाहिए, उसको इधर भेज दो, 30 अपॉन -3, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, 30 में 3 का डिवाइड नहीं है 10 आएगा, और माइनस का माइनस, यानी वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -10, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। हम पहले वाली क्लास में भी ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं और अभी भी करा रही हूँ। अगर समझ नहीं आता तो वीडियो को वापस पीछे करके एक बार वापस समझे, समझ आ जाएगा इजीली, ठीक है। अभी हम पिछली क्लास में जो पढ़ा है वही पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 8 है, इसमें भी देखो आप एक y वाली टर्म दे रखी है और एक बिना y वाली दे रखी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि y वाली टर्म को अलग एक तरफ करेंगे और बिना y वाली टर्म को एक तरफ करेंगे, ठीक है। तो अब देखो ये 2y है और ये माइनस का y इधर ले लिया मैंने, प्लस का y हो गया, ठीक है। 26/3 इधर ही था इक्वल के, और ये जो है इस तरफ आएगा 5/3। हमेशा ध्यान रखना है कि जिस चीज़ को आप ट्रांसफ़र कर रहे हो वो हमेशा बाद में लिखी जाती है, ऐसे नहीं कि आप इस 5/3 को पहले लिख दो ना इसको बाद में, है ना। जो भी चीज़ आप ट्रांसफ़र करो पहले तो इस तरफ जो है वो लिखना है, फिर जो ट्रांसफ़र कर रहे हो वो बाद में आएगा उसके, ठीक है। 2y + y कितना होगा 3y, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3 और 3 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। और ऊपर 26 - 5, ठीक है। जब नीचे सेम डिजिट होती है तो आप ऊपर जो है, नीचे सेम था तो मैंने 3 लिख दिया, ऊपर 26 - 5 एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब देखो 26 में से 5 गया, कितना बचेगा 21/3, ठीक है। 21/3 एंड 21 में आप 3 का डिवाइड देंगे, कितना आएगा 7, ठीक है। फिर y, ये 3 मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा 7/3, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7/3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 10 है इसी का, ठीक है। तो आप पहले क्या करेंगे, ये ब्रैकेट दे रखे हैं, इनके बाहर डिजिट दे रखी है, इनको पहले अंदर ले लो, ठीक है। इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो 0.25 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आंसर आएगा, 1x, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है। -0.25 को 3 से करेंगे तो 0.75 आंसर आएगा, ठीक है। फिर 0.05 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.5x, ठीक है। माइनस 0.05 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.45 आपका आंसर आएगा, ठीक है। आप मल्टीप्लाई अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा तो आप सिंपल मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है। अब देखो x वाली टर्म एक साथ लो, बिना x वाली तो 1x माइनस, ये इधर लिया प्लस का था माइनस हो गया, फिर ये इधर ही है -0.45 और ये माइनस का इधर आके क्या बनेगा +0.75, ठीक है। अब आप इसमें से क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का है तो हमेशा माइनस होगा। इसमें से इसको आप माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपका 0.30, ठीक है। प्लस का आएगा क्योंकि बड़ी डिजिट प्लस की है, ठीक है। अब 1x में से आप 0.5x को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0.5x, ठीक है। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, 0.30 डिवाइडेड बाय 0.5, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में था, इधर आके क्या हो गया डिवाइड में हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पॉइंट है, पॉइंट आप हटा दो, दो डिजिट बाद पॉइंट हटाया नीचे 100 हो गया, यहाँ पे 1 डिजिट बाद पॉइंट हटाया तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 10, 1 डिजिट बाद था इसलिए 10 लिखा, ठीक है। अब देखो आप इसको सॉल्व करेंगे, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, यानी कि आंसर कितना आया 3/5। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है 3/5, ठीक है। आप इसको डिवाइड भी दे सकते हैं, अगर डिवाइड दोगे 3 में 5 का तो आपका वैल्यू आएगी 0.6, ठीक है। ये बाकी के 4 क्वेश्चन है जो आप घर पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ आपका 3 है, ठीक है।
अब देखो इसको तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कर सकते हो आप। इस 3 को उधर ट्रांसफर कर देना, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मैं थोड़ी सी हिंट दे रही हूँ, बाकी आप सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये सब x x वाले एक ही तरफ ले रखे, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, 5 3 6 का एलसीएम लेके जैसे हम सोल्व करते हैं वैसे सोल्व कर देना, इसको सिंपल फॉर्म में चेंज कर देना, और फिर यहाँ जो भी एलसीएम आएगा आपका उसको इधर ट्रांसफर कर दोगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर देना, ठीक है। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई वाला जिस पहले एलसीएम लेके सोल्व करोगे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। इसमें आप क्या करोगे, पहले इसको उधर भेज देना, ठीक है, फिर सोल्व कर देना, और इस यहाँ जो भी आंसर आएगा माइनस करने के बाद उसको इधर से ये डिवाइड में उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये सोल्व हो जाएगा। इसको आप पहले ये ब्रैकेट सोल्व कर लेना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर एक्स एक्स वाले एक तरफ, बिना एक्स वाले एक तरफ, इस तरीके से सोल्व कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।